नमस्कार, न्यूज आज की इस खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर विक्रमोत्सव पर्व पर शिप्रा नदी पर 2,75,000 दीपक प्रज्वलित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विक्रमोत्सव 2075 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों में कैलेंडर, डायरी आदि शासकीय प्रकाशनों में विक्रमादित्य की गौरव गाथा का उल्लेख किया जाएगा। शिप्रा तट पर 2,75,000 दीपक प्रज्वलित करने विश्व रिकॉर्ड बनाए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अद्भुत दृश्य है। शिप्रा के तट पर उज्जैन की जनता ने यह नया इतिहास रचा है। उन्होंने विक्रमोत्सव के आयोजन के लिए आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं विधायक मोहन यादव की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने उज्जैन की जनता को गुड़ी पड़वा एवं भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रख्यात पार्श्व गायक अभिजीत भट्टाचार्य को विक्रमादित्य अलंकरण से विभूषित किया। शिप्रा के तट पर अद्भुत दृश्य है। जहां तक दृष्टि जा रही है, दीप जगमगा रहे हैं। कई तो जगमगा रहे हैं, कई कभी और लगाए जा रहे हैं। आज का दृश्य अद्भुत होगा, अनोखा होगा। आज शिप्रा के तट पर उज्जैन की जनता ने एक नया इतिहास रचा है। मैं आप सबका इस कार्य के लिए अभिनंदन करता हूं। और ये जो 2075वां साल है, मैं भी अभी मोहन जी कह रहे थे, मोहन की बातों का समर्थन करते हुए आज ये जनता से कहना चाहता हूं कि साल भर मध्य प्रदेश की धरती पर सम्राट आदि विक्रमादित्य से जुड़े कार्यक्रम किए जाएंगे तो अक्षुण रखा जाएगा। वो सुशासन के सूत्रधार थे, उन्दम राज चलाना सीखते हैं। और इसलिए न केवल उज्जैन से सुदर्शन सोनी की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही, लेकिन ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज आज। नमस्कार।